जय बिहार दोस्तों एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है यहां पे एक न्यूज जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है जो कि ट्रैफिक थानों को मिलेंगे चार हजार दो सौ पंद्रह पुलिसकर्मी क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करेंगे तो जितने भी प्यारे साथी हैं सभी का स्वागत है तो आप लोग देख सकते हैं राज्य के अट्ठाईस जिले जहाँ पे नए ट्रैफिक थानों के लिए जो है चार पुलिसकर्मियों को जो है जरूरत होगी और इसको लेकर जो है ये स्वीकृति जो है गृह विभाग के द्वारा मिल गया है क्योंकि गृह विभाग जो भी चीजें बोलते हैं भाई वो आखिर सटीक में बैठता है और यहाँ पर देख सकते हैं इनमें पूर्व में की गई सीधी नियुक्ति से तीन हजार तीन सौ छियासठ पद भरे जाएंगे जबकि आठ सौ उनचास जो ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के नए पद सृजित किए गए हैं जिसमें नए सृजित पदों में हवलदार से लेकर जो है डीएसपी रैंक रहेगा यानी कि इसमें डीएसपी टैग का रैंक रहेगा यानी कि जो ट्रैफिक थाने होंगे उनको पूरी तरह से कैसे संचालित किया जाए उसके बारे में है और चार हजार एक सौ पंद्रह पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे शामिल किया जाएंगे आपको इसको लेकर जो है गृह विभाग ने इसको मंजूरी दे दिया है दरअसल बात करें पहले राज्य के बारह जिले में पंद्रह ट्रैफिक थाने ही थे परंतु अब पहले थे पंद्रह अब जो है यहाँ पे अट्ठाईस जिलों में नए ट्रैफिक थाने बोलने रहे जा रहा है कि बनाया जाएगा जिससे कि यातायात में बढ़ते दबाव जो है सड़क पर सुरक्षा को लेकर जो है हाल ही में जो जिले में जो है कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ा वहां पर सबसे पहले जो है यहां पे जो है है है, पे स्थापित करने की बात क्या गया है? आपको बता दू कि दो लाख से अधिक आबादी वाले तेईस जिले जैसे किशनगंज हो नवादा हो सीवान होता है बक्सर हो मधुबनी जहानाबाद भभुआ, सुपौल, सहरसा जमुई रोहतास बेतिया वैशाली औरंगाबाद अररिया गोपालगंज सीतामढ़ी समस्तीपुर लखीसराय बांका खगड़िया मोतिहारी और मधेपुरा में यातायात थानों को संचालन के लिए एक जो है पुलिसकर्मी दिए जाएंगे ये एक सौ सब जगह दिया जाएगा तो ये आप लोग देख सकते हैं तेईस जिलों में जब विभक्त होगा तो भाई जो अब इतना बड़ा जो है पुलिसकर्मी है चार हजार दो सौ पंद्रह को शामिल किया जाएगा तो ट्रैफिक थाना में जो है हर जगह दिया जाएगा क्योंकि देखो केवल मुख्यालय में देने से काम नहीं चलेगा कुछ कुछ ऐसे शहर अनुमंडल होते हैं जहां पे बीजी होता है वहां पर जो है ट्रैफिक आप देखे होंगे आप गाड़ी से कभी जाते हैं तो जो चौक वगैरह चौराहा होता है वहां पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप लोग को देखने को मिलते हैं तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे पद जो है कहीं ना कहीं अः यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें डीएसपी हो इंस्पेक्टर हो आंसू सहायक अवर निरीक्षक को बोला जा रहा है हवलदार को लेकर बोला जा रहा है वहीं दो लाख से कम आबादी वाले शेष पांच जिला जैसे अगर बात किया जाए जैसे अट्ठाईस जिला में बोला जा रहा है तो तेईसों ऐसा हो जाएगा जहाँ पे दो लाख से अधिक आबादी वाला दो लाख से कम में जैसे अरवल शिवहर बघा यह सब जो जगह है या आपका शेखपुरा नवगछिया वगैरह जगह जो है वहां पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे चौरासी चौरासी पुलिसकर्मी दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा अपडेट आप लोग के लिए था कि अट्ठाईस जो है नए ट्रैफिक थानों के लिए चार हजार दो सौ पंद्रह पुलिसकर्मियों हो की होगी जरूरत और इसको लेकर जो है जल्द ही जो जो है आप को जो है कहां -कहां आप लोग को नोटिफिकेशन भी बताया जाएगा कहाँ कहाँ चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दिया है और आपको जो शिवहर वाला इलाका हो या जो छोटे जगह हो जहाँ पे कहीं ना कहीं भीड़ वाला इलाका हो तो वहां पे पुलिसकर्मी की मुहैया कराया जाएगा तो यह था अभी तक का अपडेट जितने भी प्यारे साथी अगर बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग सफलता बैच से जरूर जुड़िए जहां पे आप लोग मात्र पांच सौ निन्यानवे रुपया में जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को एक रफ्तार दे सकते हैं अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं तो मात्र पांच सौ निन्यानवे रुपया में आप लोग को करना क्या है तो आप लोग को एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां पर जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है रजिस्टर करने के बाद आप लोग एक पैसे जुड़ सकते हैं आप लोग फोन पे गूगल पे से भी जुड़ सकते हैं तो ये अभी तक का महत्वपूर्ण अपडेट था बिहार से जुड़े जितने भी छात्र हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे धन्यवाद जय बिहार